इस वक्त सूबाई वज़ीर ज़राअत एंड लाइव स्टॉक महबूबुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि सूबाई हुकूमत में ज़राअत के हवाले से या लाइव स्टॉक के हवाले से इनकी क्या कारकर्दगी है, क्योंकि गुज़श्ता 5 साल से ये सूबाई वज़ीर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब इनके एक्सपीरियंस है और यहाँ पर आने वाले दौर में क्या उनके इकदाम है ताकि हम ज़राअत में और लाइव स्टॉक में खुद कफील हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिजा साहब, सबसे पहले मैं तो आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। बाकी आपने एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के हवाले से जो आपने कहा, तो मैं इसमें एक बात अपना भी ऐड करता हूँ कि हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, और जब हम इसके तारुफ़ करते हैं तो इसकी दूसरी लाइन में हम लिखते हैं कि हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क है, और इसके 85% लोग इसके ज़रात और लाइव स्टॉक भी इसका गुजारा करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क जो है ना, ये एक ज़री मुल्क है, और ये इसके ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर आबादी जो है ये 85% ये देहात में है, और ये एग्रीकल्चर पे अपना गुजारा करते हैं। तो आपको पता है कि पिछले आदवार में हमने वो तरक्की नहीं की है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को होना चाहिए था। तो इस बार हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने एग्रीकल्चर को अपना प्रायोरिटी रखा है, और आपको पता है कि जब हमने 100 डेज़ प्लान के बारे में उसने बताया था कि आप 100 डेज़ प्लान में 5 ईयर 10 ईयर का प्लान बनाएं। दरअसल इसकी वजह ये थी कि लोग ये कह रहे थे कि 100 दिन में पाकिस्तान जो है ना बदल जाएगा। ऐसा नहीं था, मतलब है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए पहले से आपने मंसूबा बंदी करनी होती है, और आपने मतलब है कि प्लान बनाना होती है। तो जब हम आए तो मतलब कि 100 दिन इसलिए दिया गया था कि हर डिपार्टमेंट हर इदारा अपने मतलब कि 5 ईयर प्लान प्लस मतलब कि 10 ईयर प्लान मतलब बनाए, और मतलब कि एक हमारे एक स्ट्रक्चर हो और इस पर हम मतलब कि 5 ईयर में जाए। तो वो 100 दिन प्लान में हमने 5 ईयर और 10 ईयर का प्लान बनाया है, उसको इसमें हमने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी रखा है। और आपको पता है कि जब अनाउंसमेंट हो रहा था 100 डेज़ प्लान का, तो जनाब इमरान खान साहब ने लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर पर तकरीबन आधा घंटा तकरीर भी किया था। ठीक है। तो इंशाल्लाह मतलब है कि हम पाकिस्तान इन तरक्यात मुल्क में इंशाल्लाह शामिल करेंगे जो इसने तरक्की की है एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक साइड में। तो इस पर हमने इंशाल्लाह 5 ईयर और 10 ईयर का प्लान बनाया है। तो अगर प्लान मैं इधर आपको मतलब कि इसके तशरीह करूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिन लगते हैं। बिल्कुल ठीक सर। आपके पास फिशरी की वजारत भी है, और पिछले द्वार में हमने देखा था कि आपने फिशरी के हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब काम किया था, और ख़ासकर ट्राउट फिश के अफजाइश के हवाले से, क्योंकि स्वाद को ये एक मुनफरद मुकाम हासिल है कि यहाँ पर ट्राउट फिश पैदा होते हैं। तो इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को मोटिवेट किया था, कर्जे भी सूबाई हुकूमत ने दिए। तो इस हवाले से इस दफ़ा आप इस हवाले से कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने आपको जो कहा था कि हमारा 5 ईयर प्लान जो हमने बनाया है, हमारे इधर ये हमने सारे पाकिस्तान का प्लान बनाया है, लेकिन फिर इस प्लान में सूबों को अपने मतलब के तरफ से एक प्रायोरिटी रखा है कि किसी सूबे का क्या ज़रूरत मतलब कि है और वो क्या करना चाहते हैं। तो हमारे मेरा जो डिपार्टमेंट है और मेरा जो महकमा है, इसमें तकरीबन लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और ये फिशरीज़ भी आता है। तो फिशरीज़ में भी हमने पिछले आदवार में बहुत काम किया है, और आपको पता था कि सारे केपी में तकरीबन जो इसका ट्राउट फिश का जो कल्चर था, इसके तकरीबन सारे मिला के ये जो हमारा जो नॉर्थ और ये रीजन है हमारा जो शिमाली इलाका जात है, जो ट्राउट एरियाज है जिसके पानी मतलब है कि कूल वाटर है, तो इसमें तकरीबन 15 तक थे, 1 से लेकर 15 तक सारे जो इसके फिश फार्म थे। तो हमारे टाइम जो 4 साल टाइम थी जो ये मुझे मिला था ये डिपार्टमेंट, तो इसमें हमने 200 को ये पहुंचाया। 200 मतलब कि फिश फार्म अभी ये इन एरिया में बने हैं, और आगे 5 ईयर प्लान में इसको हमने डाला है, और आगे इंशाल्लाह इसमें हम मतलब कि 200 से ऊपर और बनाएंगे। तो मतलब है कि ये एक जोन हम ट्राउट एरिया का जोन बनाएंगे, और मतलब है कि ट्राउट विलेजेस बनाएंगे। मतलब है कि एक बंदा टूरिस्ट आते हैं तो मतलब है कि वो 7 टूर ये ट्राउट फिश का वो खाने का मज़ा भी वो लेंगे,
اور ساتھ ہی اس کا کلچر بھی دیکھیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے اس میں ڈالا ہے ٹراؤٹ ولیجز, تو انشاءاللہ ٹراؤٹ ولیجز ان ایریا میں ہم انشاءاللہ بنائیں گے. اچھا یہ پیسل مور یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, منگورا شہر پر لوڈ کم ہوتا جا رہا ہے, یہاں سے ٹرانسپورٹیشن اڈے جو ہے نا شہر سے منتقل کر دیا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے؟ بالکل, مطلب ہے کہ جو بھی فیسلٹیز ہے ان کو لوگ اپروچبل جب ہوتے ہیں تو میرے خیال پر وہ ایک کام ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ اس میں لوگوں کی وہ ترقی کا مطلب ہے کہ وہ راز اس میں شامل ہوتا ہے. جو یہ پیسل مور کا جو اڈہ جو ادھر بنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری اس وقت کی جتنی بھی روڈز ہیں وہ بھی کنجسٹڈ ہو گئی ہے, مطلب ہے کہ اپروچ بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے یہ کہ مطلب ہے ہماری سن کے اس پار جو لوگ ہیں وہ آسانی سے مطلب ہے کہ ادھر جا کے آسانی سے مطلب ہے کہ اس گاڑی میں بیٹھ کے اپنا سفر جاری رکھیں گے. تو میرے خیال پر یہ بہت بڑا اقدام ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تھے صوبائی وزیر زراعت محب اللہ خان, وہ کافی مطلب پرعزم ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لائف اسٹاک اور زراعت کو آگے لے جانا ہے اور اس صوبے کو اپنے پاؤں پر کرنا ہے. جی.